I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And we are discussing the theories of learning under behaviorism. And this is the last theory under behaviorism, because after this, cognitivism has been started. And this theory has been provided by Edwards Chase Tolman. It is called as Tolman's Theory of Learning. And the lecture will be in bilingual mode and must be very useful for various competitive teaching examinations. Okay, and do subscribe my channel as well. So let's start. First of all, Tolman's theory of learning. The behaviorist stated that psychology should study actual observable behavior and that nothing happens between stimulus and response. यही बात अभी तक हम लोगों ने की, यही बात हम लोगों ने थॉर्नडाइक से लेकर हल तक की, कि जनरली बिहेवियरिस्ट क्या मानते हैं कि हमको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना है और स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कुछ नहीं होता है, मतलब कोई और आंतरिक मानसिक क्रिया नहीं होती है, सिर्फ स्टिमुलस होता है और उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्स देता है और उनका एसोसिएशन होता है, कनेक्शन होता है. किसी ने इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात की, किसी ने उसकी भी बात नहीं की, किसी ने कहा स्टिमुलस स्टिमुलस का कनेक्शन है, किसी ने कहा स्टिमुलस रेस्पॉन्स का कनेक्शन है, किसी ने कहा ड्राइव और ऑब्जेक्ट का कनेक्शन है, ये सारी बातें होती रही. लेकिन एडवर्ड टॉलमैन ने इसको चैलेंज किया. कैसे? एडवर्ड टॉलमैन चैलेंज्ड दीज अजम्पशंस बाय प्रपोजिंग दैट पीपल एंड एनिमल्स आर एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स. ये कह रहे हैं कि नहीं, एकदम पैसिवली नहीं बिहेव करते हैं ऑर्गेनिज्म जब उनको कोई स्टिमुलस मिलता है, बल्कि वो एक एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर की तरह काम करते हैं. तो इन्होंने एक तरीके से बिहेवियरिज्म को चैलेंज किया. और क्या कहा इन्होंने, टॉलमैन डेवलप अ कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग दैट हैज बिकम पॉपुलर इन मॉडर्न साइकोलॉजी. और उसके बाद उन्होंने एक कॉग्निटिव व्यू दिया हमको लर्निंग का, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है, जो एक्टिव लर्नर की तरह बिहेव करता है, और ये व्यू इनका शुरुआत हमको टॉलमैन से ही मिलती है. टॉलमैन बिलीव्ड इंडिविजुअल्स डू more than merely respond to stimuli, they act on beliefs, attitudes and changing conditions and they strive towards goals. इन्होंने कहा कि जो individual है वो more than merely respond to stimuli, यानी कि वो सिर्फ stimuli को react नहीं करता है, respond नहीं करता है, कुछ और भी करता है. they act on, और क्या करता है वो, beliefs पे, attitudes पे और changing conditions पे भी काम करता है और strive towards goals, और goal आधारित उसकी learning होती है, उद्देश्य उन्मुख होती है. इसीलिए इनकी लर्निंग थ्योरी को बिहेवियरिज्म, पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि पर्पसफुली एक्ट करता है ऑर्गेनिज्म. ओके, और भी बहुत सारे नाम इनकी थ्योरी के, जैसे साइन थ्योरी, साइन सिग्निफिकेट थ्योरी, साइन जेस्टाल्ट थ्योरी, ऐसे करके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नामों से प्रचलित है. और टॉलमैन इज वर्चुअली द ओनली बिहेवियरिस्ट हु फाउंड द एसआर थ्योरी अनएक्सेप्टेबल. ये एकमात्र ऐसे बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने एसआर थ्योरी को स्वीकार नहीं किया, बिकॉज reinforcement was not necessary for learning to occur. और ये देखिए कितना आंदोलनकारी इनका वक्तव्य रहा, इन्होंने कहा पुनर्बलन सीखने के लिए जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एन नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग. reinforcement के लिए ये बात कह रहे हैं, जबकि सभी बोल रहे हैं कि reinforcement होगा, reward होगा, law of effect होगा, operant conditioning होगी, ये सब किसकी बात कर रहे थे, ये सब बात कर रहे थे reinforcement की, कि reinforcement ही एकमात्र ऐसा कारक है जो कि learning के लिए जरूरी है. इन्होंने कहा क्या कहा, he remarked that we do not only respond to these stimulus but we act on beliefs and express attitudes. behavior can be modified by experience and training. इन्होंने कहा कि हम केवल stimulus को respond नहीं करते हैं, बल्कि हम belief और attitude express करते हैं, हम मतलब organism, और behavior को experience और training से modify किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है. इसके अलावा टॉलमैन थ्योरी कंबाइंस दी एडवांटेजेस ऑफ एसआर थ्योरीज एंड कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज. चूंकि ये है तो बिहेवियरिस्ट, मतलब बिहेवियरिज्म में एक तरीके से आप कह सकते हैं लास्ट थिंकर हैं, तो कुछ तो इन्होंने एसआर थ्योरी के एडवांटेज ली, लेकिन कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी की तरफ इन्होंने कदम बढ़ा दिया. इस तरह से ये एक थ्योरी एक तरीके से बीच में ब्रिज है बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच में. टॉलमैन पब्लिश्ड हिज मेजर वर्क एंटाइटल्ड पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मेन. इनका जो मुख्य काम रहा वो प्रकाशित हुआ था पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मेन के नाम से 1932 में, और इन्होंने अपने सारे अनुभव वहां पे रिकॉर्ड कराए, और ही रिवाइज्ड हिज थ्योरी 1949 में इन्होंने अपनी थ्योरी को पुनः से रिवाइज किया. और अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स द लर्नर डज नॉट
reach the goal in a fixed sequence of movements, but changes his behavior according to the variation in conditions. इन्होंने ये पाया अपने प्रयोग के बाद कि जो लर्नर है वो फिक्स्ड सीक्वेंस पे नहीं चलता है कि जैसे हमने वहां पे क्या हो रहा था कि रीइन्फोर्समेंट है तो वो काम हो रहा है, रीइन्फोर्समेंट मिल रहा है तो वो काम हो रहा है वगैरह, नहीं, वो गोल के हिसाब से चलता है और वो पाथ चुनना चाहता है जहां पे उसका लीस्ट एफर्ट लगे. ये बाद में निकल कर आता है, आप देखिएगा. ये है इनका एक्सपेरिमेंट. देखिए, टॉलमैन रैट एंड मेज एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक पहेली टाइप का बनाया रैट के लिए, चूहे के लिए, और उसको यहाँ पे छोड़ दिया. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये प्लेन ऑफ मेज है, ये जो इसकी पहेली नुमा आकृति है वहां पे इसको छोड़ दिया. तो इन्होंने तीन ग्रुप बनाए रैट के, सबको रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को दिया, किसी को डिलेड दिया, किसी को नहीं दिया. क्या करते हैं ये, इन देयर फेमस एक्सपेरिमेंट्स टॉलमैन एंड हॉन्जिक बिल्ड अ मेज टू इन्वेस्टिगेट लेटेंट लर्निंग इन रैट्स. अच्छा, हाँ, इनकी थ्योरी को लेटेंट लर्निंग भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि लर्निंग जो है वो लेटेंसी अवस्था में, हमको पता नहीं चल रहा है कि वो लर्निंग हुई है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. दिस स्टडी ऑल्सो शोज दैट रैट्स एक्टिवली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन रादर देन ऑपरेटिंग ऑन ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. ये कह रहे हैं कि जो चूहे हैं, जो इनका सब्जेक्ट है, वो एक्टिवली प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को. जो उसको सूचना मिली है उसको उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, क्योंकि पहली बार इन्होंने मानसिक क्रियाओं को, संक्रियाओं को लिया, इसलिए ये कॉग्निटिविज्म की तरफ उन्मुख हो गई ये थ्योरी, और सिर्फ स्टिमुलस रेस्पॉन्स को ऑपरेट नहीं कर रहा है ऑर्गेनिज्म. ये कह रहे हैं, डू रैट्स यूज अ मेंटल मैप टू नेविगेट, ये उसको बाहर निकलने का रास्ता है. तो क्या वो उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है जिससे उसने ये रास्ता चुन लिया, या रिवॉर्ड के हिसाब से चल रहा है? तो इनका निकल के आता है कि नहीं, रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं चल रहा है, बल्कि कॉग्निटिव मैप के हिसाब से चल रहा है. देखिए क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट दैट रैट्स कुड मेक navigational decisions based on knowledge of the environment rather than directional choices simply being directed by the effects of rewards. कह रहे हैं वो दिशा किस हिसाब से बना रहा है, जो उसके environment के लिए उसने knowledge, उसके information processing की, उस knowledge पे उसने work किया, उस हिसाब से दिशा चुन रहा है चूहा अपने निकलने की, ना कि उस दिशा हिसाब से चल रहा है जहाँ उसको इनाम मिल रहा है, जहाँ उसको reinforcement मिल रहा है. तो तीन group बनाए इन्होंने. पहले ग्रुप को rewarded मतलब इनाम दिया, दूसरे ग्रुप को delayed reward देर से दिया, और तीसरे ग्रुप को नहीं दिया. रिजल्ट क्या मिला इनको, दी डिलेड रिवॉर्ड ग्रुप लर्न द रूट ऑन डेज 1 to 10. 1 to 10 दिन तक जो डिलेड रिवॉर्ड ग्रुप था उसने रूट को लर्न कर लिया, मतलब 10वें दिन तक वो सीख गया कि उसको इस रास्ते से निकलेगा तो निकल जाएगा. एंड फॉर्म्ड अ कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेजर, उस पहली का एक चित्र उसके दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर बन गई. दे टुक लॉन्गर टू रीच द एंड ऑफ द मेज बिकॉज देर वॉज नो मोटिवेशन फॉर देम टू परफॉर्म. उन्होंने ज्यादा समय लिया अंत में पहुंचने के लिए क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई रिवॉर्ड नहीं था पहुंचने के लिए. बट From day 11 onwards, जब उन्होंने रास्ता सीख लिया, जब उन्हें पता चल गया कि ये रास्ता है, they had a motivation to perform, that is food, मान लो रास्ते के बाहर food रखा हुआ था, तो उनको मिल गया एक motivation perform करने के लिए, and reached the end before the reward group. और अब जो reward group है उससे वो बेहतर सीखने लगे. मतलब शुरू में उन्होंने टाइम ज्यादा लिया क्योंकि उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, कोई reinforcement नहीं था, कोई motivation नहीं था, लेकिन जब उनके दिमाग में रास्ता बन गया कि यहाँ से निकलना है हमको बाहर, तो 11वें दिन से वो रिवॉर्डेड ग्रुप से बेटर परफॉर्म करने लगे. इसका मतलब कि उन्होंने कॉग्निटिव मैप के हिसाब से चले, रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं चले. ये इनका फाइंडिंग है जो हमको कॉग्निटिविज्म की ओर ले जाता है. मेन फीचर्स क्या हैं थ्योरी के, इट एक्सेप्ट्स बिहेवियरिज्म एज बेसिस. ये भी व्यवहारवाद को ही आधार मानते हैं. ये मानते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर आर बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड, दैट इज इट इज पर्पसिव. ये पहली बार ये बात निकल गया है कि जो व्यवहार है वो लक्ष्य निर्देशित है, उद्देश्य है उसका, बिना उद्देश्य के व्यवहार नहीं हो रहा है. इसके पहले कहीं उद्देश्य की बात नहीं हुई, और जैसे ही उद्देश्य की बात होगी इसका मतलब आपकी मेंटल प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी. बिहेवियर मेक्स यूज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज मींस ऑफ गेटिंग टू द गोल. बिहेवियर किसको यूज करता है, जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जो हमारे वातावरणीय कारक हैं, उनको यूज करता है गोल तक पहुंचने के लिए. और बिहेवियर कंसिस्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव मैप्स. और व्यवहार कैसे बन रहा है, कॉग्निटिव मैप के फॉर्मेशन के हिसाब से बन रहा है. The organism has a selective preference for the principle of least effort. मैंने बताया ना कि वो कौन सा प्रेफर करता है ऑर्गेनिज्म, कौन सा रूट इख्तियार करेगा जहां उसको कम से कम एफर्ट लगाना हो फॉर अराइविंग एट द गोल. और मोलर बिहेवियर इज डोसाइल, मतलब मोलर बिहेवियर जो है वो टैक्टफुल है, टैक्टफुली काम कर रहा है, सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के हिसाब से काम नहीं चल रहा है. अकॉर्डिंग टू टॉलमैन द बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन, और टॉलमैन ने क्या कहा कि व्यवहार किस पर आधारित है, नीड सिस्टम, आपकी आवश्यकता क्या है, बिलीफ वैल्यू सिस्टम, बार बार क्या है ना कि एटीट्यूड्स और बिहेवियर एक्सप्रेस, एटीट्यूड्स और बिलीव्स एक्सप्रेस करता है ऑर्गेनिज्म, एंड द बिहेवियर स्पेस, यानी बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म दोनों के प्लस पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं. This theory takes into consideration that learning is based upon some signs or clues leading to the goal. The organism learns not the movement patterns but the sign significant relation.
वो कह रहे हैं कि मूवमेंट का पैटर्न नहीं सीखा है उसने, बल्कि वो उसने साइन के हिसाब से, क्लू के हिसाब से ऑर्गेनिज्म ने लर्निंग सीखी है, इसीलिए साइन सिग्निफिकेट लर्निंग भी कहलाती है, साइन जेस्टाल्ट लर्निंग भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये जेस्टाल्ट वादियों से भी प्रभावित थे, पोलर से प्रभावित थे, और पोलर क्या कहते हैं कि परसेप्शन जरूरी है। तो ये भी क्या कह रहे हैं कि रैट ने परसीव किया है मेज को, पहेली को, कि किधर से हमको निकलना है, ना कि वो रिवॉर्ड की तरफ जा रहा है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, कई तरीके की टाइप्स की बात करते हैं, अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, जिसमें से लेटेंट लर्निंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और क्या कह रहे हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग डिपेंड अपॉन मीन्स एंड रेडीनेस, यानी कि मीन्स मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचने की रेडीनेस के हिसाब से लर्निंग होती है। दैट इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, मीडिएटेड बाय, कौन उसको हेल्प करता है, मीडिएट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी परसेप्शंस, उसका रिप्रेजेंटेशंस और इंटरनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, यानी कि कॉग्निटिव फैक्टर्स इंक्लूड किए गए पहली बार लर्निंग थ्योरी में। टॉलमैन्स वर्जन ऑफ बिहेवियरिज्म एम्फसाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टिमुलाई रादर देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब इनका जो बिहेवियरिज्म का वर्जन है वो रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई को ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है, मतलब स्टिमुलस स्टिमुलस के कनेक्शन को ज्यादा इम्फेसिस दे रहा है बजाय स्टिमुलस रेस्पॉन्स के। अकॉर्डिंग टू टॉलमैन अ न्यू स्टिमुलस, यानी कि साइन ही स्टिमुलस को ही साइन कह रहे हैं, बिकम्स एसोसिएटेड विद ऑलरेडी मीनिंगफुल स्टिमुलस द सिग्निफिकेट, यानी कि पहले से जो मीनिंगफुल स्टिमुलाई हमारे पास है सिग्निफिकेट, उससे जाके जुड़ जा रहा है दूसरा स्टिमुलस जिसको कह रहे हैं साइन, इसीलिए साइन सिग्निफिकेट थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। Through a series of pairings, there was no need for reinforcement in order to establish learning. कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है पुनर्बलन की, तब भी सीखता है ऑर्गेनिज्म। For this reason, Tolman's theory was closer to the connectionist framework of Thorndike than the drive reduction theory of Hull or other behaviorists. अगर इस perspective से देखा जाए तो Tolman साहब Thorndike के ज्यादा समीप हमको मिलते हैं बजाय की Hull या अन्य behaviorists के मुकाबले। ठीक है, लॉस ऑफ लर्निंग कुछ इन्होंने नियम भी बताए दिगम के, कौन कौन से, लॉ ऑफ कैपेसिटी, लॉ ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मैनर। कैपेसिटी का लॉ क्या कहता है, दिस रिलेट्स टू ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द लर्नर विच डिटरमाइन टाइप्स ऑफ वर्क्स एंड सिचुएशंस दैट कैन बी मास्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि ट्रेड शील गुण, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशिष्टता, उसका एप्टीट्यूड लर्नर का, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी और किस तरीके की सिचुएशन और वर्क को वो अच्छे से मास्टर कर लेगा, मतलब उसकी क्षमता क्या है। फिर लॉ ऑफ स्टिमुलस, इट डील्स विद कंडीशंस इनहेरेंट इन द मटेरियल इटसेल्फ सच एज द बिलोंगिंगनेस ऑफ इट्स पार्ट्स एंड हाउ सक्सेसफुली इट लीड्स टू इनसाइटफुल सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे भी इनसाइटफुल की बात की है, क्यों, क्योंकि ये जेस्टाल्ट वादी हैं, वादियों से प्रभावित हैं, इसलिए इनसाइट की बात कर रहे हैं, ट्रायल एरर की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको इन्होंने कहा कि बिलोंगिंगनेस ऑफ द पार्ट्स। जब आपको अगर जेस्टाल्ट थ्योरी आप पढ़िए तो उसमें क्या कहता है, कोहेसिवनेस, कैसे सामीप्यता का नियम, ये सारे नियम चलते हैं वहाँ पे, वहीं से ये आया है। और लॉ ऑफ मैनर, इट इज कंसर्न्ड विद द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स सच एज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स, किस तरीके से उसके सामने रखी जा रही चीजें, ये चीज इफेक्ट डालती है कि लर्निंग होगी कि नहीं होगी। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या, इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं, कैपेसिटी, द लर्निंग ऑफ ए टास्क डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, यानी कि लर्नर की क्षमता यह निर्धारित करेगी कि वो ये टास्क सीख पाएगा कि नहीं। प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, टॉलमैन बिलीव दैट प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कैन नॉट हेल्प द लर्नर इन द इनिशियल सिलेक्शन ऑफ द राइट रिस्पॉन्स, ये कह रहे हैं शुरुआत में ये हेल्प नहीं करता है, बाद में करता है। और मियर फ्रीक्वेंसी विदाउट बिलोंगिंगनेस डज नॉट एस्टैब्लिश ए कनेक्शन, कह रहे हैं कि सिर्फ बार बार होने से वो चीज़ नहीं सीखता है व्यक्ति, बल्कि बार बार होने में अगर उसको बिलोंगिंगनेस समझ में आ रही तभी सीखता है। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन डज नॉट हेल्प इन लर्निंग समथिंग न्यू, इट सिंपली इनकरेजेस द परफॉर्मेंस एज सच, कह रहे हैं अभी प्रेरणा हमको कुछ नया सीखने के लिए नहीं मदद कर रही है, बल्कि जो हमने पहले से सीख रखा है उसकी परफॉर्मेंस कुछ बेटर कर सकती है। अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहे हैं, टॉलमैन बिलीव्स इन लर्निंग बाई क्रिएटिव इन्फरेंस, इन्वेंटिव आइडिएशन एंड सो ऑन, इनसाइटफुल लर्निंग इज एम्फसाइज, बार बार मैं बात कर रही हूँ, जेस्टाल्ट ने इनसाइटफुल लर्निंग की बात की, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन की बात की और उन्होंने ये चीज़ वहीं से ली है। फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल रिलेशनशिप परसीव्ड बाय द लर्नर in one situation to some other situation, आपको याद हो तो Thorndike transfer of learning की बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं transfer of training से, क्योंकि इन्होंने वही सब Thorndike, Pavlov और Watson और Skinner ने, Charles Darwin, इनकी writing से प्रभावित होकर ही इन्होंने अपनी theory दी थी। फिर forgetting, repression and radioactive inhibition cause forgetting, Tolman attributes forgetting to the resistance of cathexis, ये कह रहे हैं भूलना कैसे होता है, भूलना कब होता है, जब रिप्रेस किया जाए, उसको दबाया जाए या कोई radioactive inhibition मिल जाए, या वो कह रहे हैं forgetting to the resistance of cathexis, मतलब ड्राइवर ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो व्यक्ति भूल जाएगा।
ये कुछ इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशन है, पुरानी थ्योरी है लेकिन हमको इसका महत्व इस हिसाब से देखना है कि कैसे ये इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में हेल्प कर रहा है, कैसे जो है वो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है बिहेवियरिज्म से कॉग्निटिविज्म की तरफ से, कैसे ये समझ में आ रहा है कि नहीं हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से ही लर्निंग को या बिहेवियर को नहीं डिफाइन कर सकते हैं बल्कि हमको मेंटल प्रोसेसेस की भी ज़रूरत है। ह्यूमन बींग्स इतने सिंपलिस्टिक ऑर्गेनिज्म नहीं है कि आप उनको सिर्फ स्टिमुलस दिया जाएगा और वो रिस्पॉन्स देंगे तभी सीखेंगे। सीखना और भी बहुत बहुत क्लिष्ट है लेकिन फिर भी कुछ 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 हर हमको मनोविज्ञानी ने बताया कि कैसे सीखा जा सकता है। कंक्लूजन, कंक्लूड करते हैं इनको। टॉलमैन्स थ्योराइजिंग हैज बीन कॉल्ड पर्पसिव बिहेवियरिज्म। पता चल गया हमको कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की इन्होंने सिद्धांत दिया है एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव थ्योरी। ये भी मैंने आपको बता दिया, सेतु का काम करता है ये व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच में। अकॉर्डिंग टू टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स बाय परस्यूइंग अ साइन टू ए गोल, दैट इज लर्निंग इज एक्वायर्ड थ्रू मीनिंगफुल बिहेवियर। यानी अर्थपूर्ण व्यवहार की बात की जा रही है, जैसे ही मीनिंगफुलनेस की बात होगी वैसे ही मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व अपने आप हो जाएंगे। टॉलमैन एम्फसाइज द ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि व्यवस्थित पक्ष ये अधिगम का प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर एडवर्ड चेज टॉलमैन इज बेस्ट नोन फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, इसीलिए इनके बिहेवियरिज्म को पर्पसिव या कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म कहा जाएगा। हल की थ्योरी को डिडक्टिव बिहेवियरिज्म कहा जाएगा। तो ये सारे डिस्टिंक्शन आपको याद रखने होंगे। हिज रिसर्च ऑन कॉग्निटिव मैप्स एंड द थ्योरी ऑफ लेटेंट लर्निंग एंड द कांसेप्ट ऑफ एन इंटरवीनिंग वेरिएबल, मतलब ये कॉग्निटिव मैप का पहली बार ये लेकर आए टर्म, लेटेंट लर्निंग की बात की इन्होंने और इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात की। इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात खैर हल ने भी की थी। टॉलमैन्स वर्क चैलेंज द बिहेवियरिस्ट नोशन दैट ऑल बिहेवियर इन लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ द बेसिक स्टिमुलस रेस्पॉन्स पैटर्न। बिहेवियरिस्ट इसके पहले क्या कह रहे थे कि सारी लर्निंग सिर्फ SR पैटर्न पे चल रही है, लेकिन इन्होंने उससे आगे बढ़ के बात की। हिज थ्योरी ऑफ लेटेंट लर्निंग सजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स इवन इफ नो रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड। इन्होंने कहा कि बिल्कुल लर्निंग हो सकती है, आप बिल्कुल रीइंफोर्समेंट ना दें तब भी। टॉलमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग एंड कॉग्निटिव मैप्स हेल्प पेव द वे फॉर द राइज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जो इनका कॉन्सेप्ट लेटेंट लर्निंग का था, जो इनका कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव मैप का था, उसी ने हेल्प किया कॉग्निटिव साइकोलॉजी के उद्भव में। ओके, सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड ऑल द लर्निंग थियरीज। इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी टू कवर ऑल द लर्निंग थियरीज, बट फाइनली done from my side, and do like and subscribe my channel and join my telegram group too for further communication with me. Okay, done from my side.